जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे कि आप यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का AEPS चलाते हैं, अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बारे में जानेंगे कि क्यों निकासी नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोन स्क्रीन पिन। जय हिंद साथियों, आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का AEPS नॉट वर्किंग, यानी कि AEPS नहीं काम कर रहा है साथियों। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं साथियों। और आपको दिखाएंगे साथियों कि क्यों AEPS यानी कि AEPS क्यों नहीं काम कर रहा है साथियों, AEPS के माध्यम से सुविधाएं, तो वही आपको बताने जाएंगे साथियों। और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से AEPS काम करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का साथियों। तो इसके लिए यानी कि आपको बता दें साथियों, AEPS जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का AEPS है, तो आपको बता दें साथियों कि यानी कि 1 जून से ही ये काम करना बंद कर दिया साथियों, विभिन्न यानी कि मुख्य रूप से 1 जून से काम करना बंद कर दिया है और काम करना अभी धीरे धीरे। तो आपको ये बता दें कि ये ट्रांजैक्शन तो यानी कि बैंक के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, AEPS में दिक्कत है साथियों, बैंक का इसमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। और ये 1 जून से जो बंद हुआ है ये लगातार बीच में कभी कभी काम भी कर रहा है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून 2022 से आज तक सेंट्रल बैंक ऑफ AEPS सर्विस अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। बीच बीच में अगर हम निकासी करते हैं साथियों तो और सारे कस्टमर का निकासी हो भी जाता है साथियों, और बहुत सारे कस्टमर का नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जिस भी व्यक्ति का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यानी कि अगर उसका मेन ब्रांच में यदि उसका मेन ब्रांच में अकाउंट होता है, ठीक है साथियों, मेन ब्रांच का जो भी अकाउंट होगा उससे उसका यानी कि उसका AEPS काम करेगा साथियों, मेन ब्रांच का जो अकाउंट होगा वो, और जिसका यानी कि और जिसका CSP का अकाउंट होगा उसका AEPS काम नहीं करेगा। CSP का यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CSP का जिसका अकाउंट होगा उसका AEPS काम नहीं करेगा, उसको बैंक जाके उसका यानी कि ब्रांच जाके और उसका यानी कि KYC करवाना पड़ेगा, तब उसका AEPS काम करेगा साथियों। AEPS काम करने के लिए उसको बैंक जाके यानी कि KYC कराना पड़ेगा, किसका, तो जिसका यानी कि CSP में है वो उसका, और जिसका मेन ब्रांच में है उसका ऑटोमेटिक अभी AEPS काम कर रहा है साथियों। बहुत सारा ट्रांजैक्शन हम पर डे कर रहे हैं AEPS, लेकिन उसका ही ट्रांजैक्शन हो पा रहा है जिसका कि जिसका मेन ब्रांच में अकाउंट है। इसके लिए इसका जानकारी हम खुद से प्राप्त किए साथियों कि यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि कस्टमर केयर को कॉल करके ऐसा जानकारी हमको मिला है, वही आपको बता रहे हैं साथियों। तो आप बिल्कुल जिसका भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, वो या तो KYC करवाइए, नहीं तो अगर उसका अगर मेन ब्रांच है तो उसका तो हो जाएगा, अगर CSP का है तो वो जाके अपना यानी कि मेन ब्रांच में जाके KYC कराइए, आपका AEPS काम करेगा साथियों बिल्कुल। कभी कभी सर्वर इशू आता है AEPS का, तभी नहीं करेगा, तब मेन ब्रांच वालों का भी नहीं करेगा, अन्यथा मेन ब्रांच वालों का हमेशा करते रहता है, सिर्फ CSP वालों का दिक्कत होता है साथियों। तो चलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।